जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों नहीं ले लिए हैं या ग्रेजुएशन पास भी क्यों नहीं कर गए हैं, केवल आप 12th पास कर चुके हैं ना, तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना है और उसमें एक योजना है बेरोजगारी भत्ता को लेकर, जिसमें 25 साल तक के कैंडिडेट को 2 साल तक 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी प्रत्येक महीना। तो उसकी ऑनलाइन चल रही है, अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये आ चुकी है, इसको भी बेरोजगारी भत्ता भाग गई है, इसका भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर लेना है बेरोजगारी भत्ता का लाभ, तो 2 साल तक अगर 1,000 रुपये देगा तो कौन ले लेगा, वैसे भी बेरोजगारी चल रहा है। तो मेरा एज तो 25 से ऊपर हो चुका है, इनका नहीं हुआ है, तो इनको थोड़ा बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ठीक है। बेरोजगार है ना, और जो सरकार की ओर से आ जाएगा वही अच्छी बातें हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अप्लाई करने का प्रोसेस बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस बता दूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या प्रोसेस है। मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आगे चल करके देते रहूँगा, ताकि आप लोगों के अप्लाई करने से लेकर के आपके अकाउंट में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया आए, वहाँ तक की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये बहुत छोटा सा वीडियो है, कोई बात नहीं।